हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों आज है 15 फरवरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी बने हैं 15 फरवरी के, उनको हम लेके आए हैं। दोस्तों आज हम इनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों पहले हम उस जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उनके पहले उनको पहले रिवाइज करेंगे और फिर आज के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। दोस्तों तो दोस्तों ये करंट अफेयर सीरीज का 83 पार्ट है। दोस्तों इससे पहले के जो भी पार्ट है पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं करंट अफेयर की। और दोस्तों जनवरी माह की कंबाइंड करंट अफेयर की भी वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप जाके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इस चैनल पर पहली बार है, आए हैं, विजिट किए हैं, और दोस्तों या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जीके ट्रिक्स कबाब 2020। दोस्तों इसमें हमने कुछ वीडियो डाली है जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान ट्रिक से समझाया हुआ है दोस्तों, और आसानी से आपको याद हो जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उनके क्वेश्चन से। हाल ही में किस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया गया? दोस्तों किस दिन मनाया गया? दोस्तों 13 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। हाल ही में भारत सरकार ने आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये आदिवासी किस राज्य के मूल निवासी है? दोस्तों किसके? कर्नाटक के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज पुरुष जीवित व्यक्ति घोषित किया है? दोस्तों वे किस देश के हैं? जापान के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 10.70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? दोस्तों किसको? भारत को। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दोस्तों सुषमा स्वराज संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट पे। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों पुडुचेरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की घोषणा की है? दोस्तों किस देश के लिए? लीबिया के लिए। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार द्वारा 12 से 18 फरवरी के बीच किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के चेयरमैन कौन बने हैं? जी नारायण। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट करते जरूर चले। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट लग रहा है ज्यादा ही, उसको नोट करते जरूर चले। हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पहले सेफ्टी नामक सार्वजनिक पहल की घोषणा की है? दोस्तों किसने? गूगल ने। द थिन माइंड मैप बुक पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मेंद्र राय। 13 फरवरी से किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डिसूजा भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति है? पुर्तगाल के। इसका सही आंसर क्या है? पुर्तगाल। चलते दोस्तों दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी समाप्त हो चुके हैं, अब हम आज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस प्रशिक्षण युद्धपोत को प्रेसिडेंट स्कॉलर सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों किसको? INS शिवाजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों कौन बने हैं? राजीव बंसल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। संस्थापक कौन थे? जमशेद जी टाटा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? दोस्तों किसको? मनप्रीत सिंह को। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लास्ट में स्टेट जी के दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है ये वाली, आप इनको भी जरूर चेक कर लीजिए और दोस्तों नोट कर जरूर कर लें। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु तो हाल ही में कहां पर बिम्सटेक सम्मेलन का आयोजन किया गया? दोस्तों कहां पे किया गया? नई दिल्ली में।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और विषय क्या रहा दोस्तों, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। बीमस्टेक क्या है, इसकी पूरी स्टेटिक जीके के माध्यम से उन्हें बताया हुआ है दोस्तों। सीएम दिल्ली के चेयरमैन कौन है, ये अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों, अनिल बैजल। ये भी आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस राज्य ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनल्स मिशन, ये आप ये देखें दोस्तों, क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है दोस्तों। किस राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटिक जी के हमने बाद में दी हुई है, आप इनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि इसका गठन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का, इसकी क्षेत्रफल रैंक कितनी है, जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, सब कुछ दिया हुआ है, आप जरूर चेक करें। जैसे कि नेशनल पार्क शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, इनको भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसको, रॉबिन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और दोस्तों जो अबू धाबी है यानी कि जो यूएई की कैपिटल है वो अबू धाबी है, राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान, पीएम कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, संसद कौन क्या क्या नाम है, संघीय राष्ट्रीय परिषद, मुद्रा क्या है, दिरहम। ये भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने विशाल नवजात ग्रह बेबी जॉइंट प्लेनेट, ये नाम याद रखेंगे दोस्तों, 2MASS-1157919B की खोज की है दोस्तों। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने, रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाल ही में लॉन्च मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, प्रीति के श्रॉफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में वेंडेल रॉड्रिग्स का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों, वे कौन थे, वे एक फैशन डिजाइनर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये ए है, ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं, अजय पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। महिला को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसने वी थिंक डिजिटल, ये याद रखें दोस्तों, वी थिंक डिजिटल अभियान शुरू किया है दोस्तों, किसने किया है, फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फेसबुक से संबंधित कुछ स्टेटिक जीके दी हुई है, आप इनको भी देख लीजिएगा। वर्तमान लैंगिक समानता श्रेणी में ब्राजील की देबोरा दिनीज के किस के साथ किस भारतीय को संयुक्त रूप से डैन डेविस डेविड पुरस्कार मिला है दोस्तों, किसको मिला है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर डी गीता सेन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों कुछ स्टेटिक जीके दी हुई है, यानी कि जो भविष्य है एआई श्रेणी में दमिश हेवल्स्कर और प्रोफेसर अमनोन सासुओसा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और वहां से इस वीडियो की पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों, ये इसका कोड है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों काइंडली शेयर दिस वीडियो, अब दोस्तों जो भी इस चैनल पर